जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के दर्री बिजली ऑफिस बिजली कार्यालय के सामने। और यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में जो है कुछ उपभोक्ता जो है वह पधारे हुए हैं, और उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पर बिजली नहीं आती और ना ही जो है ट्रांसफार्मर को किसी तरह की सुध ली जाती है। लगातार बिजली जो है वह खासकर इस गर्मी के दिनों में जो है बिजली प्रभावित रहती है, जिससे अस्त व्यस्त जो है पीड़ित सारे जो है हितग्राही यहाँ पर मौजूद हुए हैं और अपनी अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर भारी मात्रा में जो है मौजूद हुए हैं। और एक अजीब विडम्बना है कि कार्यालय में कोई मौजूद भी नहीं है जो संबंधित विभाग का अधिकारी जो है इनकी सुध ले, इनसे बात करे, इनकी शिकायत पर जो है चर्चा हो और कोई सुधार कार्य हो सके। आइए हम पीड़ितों से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मामला है और कहाँ से आप लोग आए हैं। जी मतलब आप लोग ऐसे घुमा मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और आप भी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब कोई बोलना नहीं चाह रहा अपनी तकलीफ। आप लोगों को कोई तकलीफ है तो हम खबर पर बात करें या फिर हम लोग वापस चले जाते हैं। नहीं बताइए, आप लोग मतलब घुमाइए मत ऐसे वैसे, जिसके पास हमारा कैमरा जाए वही अपना बयान दे। जरूरी नहीं है कि कोई एक आदमी जो है बोले, सबको तकलीफ है ना भाई, अपनी तकलीफ बोलने के लिए क्या दिक्कत है आप लोग को। आपको कोई तकलीफ है? हाँ बिल्कुल तकलीफ। क्या आप लोग का परिचय बताइए? मेरा नाम अशोक दुबे, बेला कचार से हूँ। बेला कचार से है साहब आप? हाँ। क्या समस्या लेकर आए हैं आप? हमारे यहाँ की लाइटें जो है बिजलियाँ काफी दिनों से परेशानी में है। अच्छा। डिम लाइट रहता है, कभी कट जाता है, कभी डीओ गिरता है, और अक्सर यहाँ के कर्मचारी जो है फोन करने पर कोई बात नहीं करता। अभी कहाँ पर हैं आप लोग? अभी हम लोग दर्री में जोन में आए हुए हैं, कार्यालय में। बिजली ऑफिस है ये? जी। तो किनसे बात हुई आपकी यहाँ? यहाँ तो फिलहाल अभी कोई आया ही नहीं और कोई है नहीं। क्या समय हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? सवा ग्यारह। हाँ। एक विभाग के अधिकारी को, कर्मचारियों को कितने बजे कार्यालय पहुंच जाना चाहिए? सरकारी टाइम में तो इसका 10 बजे टाइम होता है, जहां तक मैं सुना हूं जानता हूं। सबसे पहले हम आप सबों को बता दें कि कहते हैं ना कि चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, है ना, और चैन से जीना है तो जागरूक हो जाओ, यानी जानकार हो जाओ। जानकारी नहीं है कि मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। हम सबको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, संबंधित विभाग का अधिकारी कितने बजे बैठता है और कितने बजे उसे बैठना चाहिए। जब तक हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे जो है दबाव डालेंगे, कैसे उससे बात करेंगे। देखिए, कोई भी शासकीय कार्यालय का टाइम जो होता है वह 10 बजे का होता है, निश्चित तौर पर उसे पहुंच जाना होता है जी। यानी कि वह घर से 9 बजे निकलेगा, यानी कि वह सुबह 7 बजे उठेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि समय पर वह अपने कार्यालय में पहुंचेगा ताकि हम अपनी समस्याओं को, शिकायतों को लेकर वहां पहुंचेंगे। अभी क्या है, वे अभी 11:30 होने को जा रहा है और अभी तक जो है आपका कोई भी अधिकारी से बात हो पाया है? किसी अधिकारी से बात नहीं हो। कोई क्या समझते हैं इसे? ये इनकी लापरवाही है। जो कार्यालय में ही अधिकारी, देखिए, जो कार्यालय में ही अधिकारी यहाँ पर सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं होता है तो किस तरह से इनकी सुध लेता होगा बिजली विभाग, किस तरह से अपनी लचर व्यवस्था के साथ यहाँ पर कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इतने ही नहीं, जिले में तमाम गांव, तमाम कस्बे, तमाम शहर भी इन बिजली विभाग की घोर लापरवाही, बिजली विभाग के कर्मचारियों की घोर लापरवाही का शिकार हो रहा है। खासकर गर्मी के दिनों में जब उसे बिजली की आवश्यकता है तो क्यों, यह भ्रष्टाचार बंद करना होगा। इस तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे इनके टैक्स के दिए हुए सैलरी का, दिए हुए पैसे का सैलरी, एक अंश का सैलरी इनको जाता है और ये यहां पर है और कर्मी न जाने कहां पर है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे मित्रों। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने की आवश्यकता है और ईमानदार अधिकारियों को जो है पुनः बहाल करने की आवश्यकता है। क्या समझते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपकी क्या समस्या? आप सब यहीं से हैं, क्या समस्या है थोड़ा सा खड़े होकर बता दीजिए, हम खड़े हैं आपके लिए। तो सर, मैं बेला कछार से राधेश्याम कुमार हूँ। हमारे यहाँ 10-15 दिन से लाइट गोल है और बार बार लाइनमैन को फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या नाम है लाइनमैन का? गोविंद और मंगल करके हैं, है ना। एक छुट्टी में है, ठीक है, छुट्टी उनका अधिकार है, लेकिन कोई अगर छुट्टी में जा रहा है तो उसके बदले भी किसी को होना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबल आदमी को। अभी तक कोई नहीं है, वाहन कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। हम यहाँ 10:30 बजे ऑफिस में आए हैं, यहाँ अधिकारी नहीं थे, किसी कर्मचारी से फोन लगवाए तो बोले हैं कि 10:30 से अब 11:30 हो गए, 1 घंटे से आप लोग वेट ही कर रहे हैं इतने धूप पसीने में। अब आप समझ सकते हैं कि बिजली विभाग का एक छोटा सा एक कार्यालय है, इस कार्यालय का यह अंजाम है, यह दुर्दशा है, यह दशा है, तो अन्य कार्यालयों की क्या दशा होगी। कितने बजे अधिकारी पहुंचते होंगे वह जो है समझना उतना मुश्किल नहीं है।
किस तरह से यह फील्ड में काम करते होंगे वह भी अब समझना मुश्किल नहीं है। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही बरती जा रही है। आइए कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं कि इस कार्यालय में जो है कितने अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती पटल पर लिखी गई है और पटल पे लिखे हुए अनुसार कितने कर्मी यहाँ पर मौजूद है और जो मौजूद नहीं है और उनकी ड्यूटी है और छुट्टी नहीं ली है तो उन्हें तत्काल प्रभार से निलंबित करने की आवश्यकता है। इस तरह से घोर लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अब देखिए सूचना के अधिकार के नियुक्ति अधिकारी के नाम कार्यालय निष्ठ व कनिष्ठ यंत्री दर्री ग्रामीण, यह कार्यालय का नाम है। अब यहाँ पे पद है, अब यह हमें नहीं पता है मित्रों, हमें कैसे पता चलेगा? आपके पटल में जो नाम अंकित होगा हम उन्हीं उन्हीं का कार्यालयों के उन्हीं अधिकारियों की बात करेंगे। अगर यह पटल वाकई में इन कर्मियों की है तो इन्हें तत्काल प्रभार से निलंबित करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं है कार्यालय में? कहां पे है वे? नाम पद अधिकारी के नाम, नाम जानिए, श्री ए के धर, कार्यालयीन मंत्री, कार्यालयीन यंत्री अपीलीय अधिकारी, माने इनका पद है कार्यपालन यंत्री, नहीं है ये। सुश्री अलका बसला कनिष्ठ यंत्री जन सूचना अधिकारी हैं ये, माने यहां पर अपीलीय अधिकारी हैं, ये जन सूचना अधिकारी हैं, जिन पर जो है लोग सूचित करेंगे, जिन्हें अपनी शिकायतों को बताएंगे, वे भी नदारद हैं। अब वे सुनने में आ रहा है कि छुट्टी में है, अगर छुट्टी में नहीं है तो यहां पर होना चाहिए, और छुट्टी में है तो किस बात की छुट्टी है यह समझ से परे है, ये इसका भी हम पता लगाएंगे। आज दिनांक कितना है मित्रों? आज दिनांक कितना है? 27 मई 2024 को 11:30 बज रहे हैं और आज इस समय तक कोई कार्यालयीन अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है। एक और है श्री यू एस सिंह, कार्य सहायक टू, सह जन सूचना अधिकारी, माने कि सूचना अधिकारी के सह जन सूचना, माने ये अगर नहीं हो तो इनकी अनुपस्थिति में यह उनका भार देखेंगे, यह भी नदारत है। क्यों? किस खुशी में? किसकी शादी या बारात में गए हैं? क्यों? ऐसी कौन सी अधिकार, कहां पर है यहाँ पर आप? क्या नाम है आपका? जी राहुल यादव नाम है। किस पद पे हैं आप? मैं लाइन अटेंडेंट के पोस्ट पे हूँ, लाइनमैन के पोस्ट। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। तो राहुल जी यह बताइए कि इस कुर्सी पे जो खाली बनी अभी पड़ी है जी, कौन बैठता था इस पे? मैडम बैठती है। क्या नाम है? अनुराधा मेहर। अच्छा, जो पटल में नाम है? नहीं नहीं नहीं, उनका नहीं है पटल पे नाम। अच्छा जी, तो मैंने पटल भी पुराना है। हाँ, जो प्रभारियों के हमने नाम गिनाए हैं वो सारे प्रभारी चेंज हो गए हैं? धर जी हैं अभी? नहीं, अभी नहीं है। अने धर जी भी नहीं है। हाँ। तो अब आप हमें बताइए कि कौन है प्रभार पर? अभी प्रभार पर है विपिन कंवर सर, है जीआई है यहाँ के। वो कहाँ बैठते हैं? वो उसका बगल में केबिन है। केबिन है जी। कब से नहीं आ रहे हैं वो? कल तो संडे था तो कल भी नहीं आए थे और आज शायद कुछ काम की वजह से नहीं आए हैं जी। तो उनके एब्सेंस में यह मैडम देखती हैं जी। क्या नाम है इनका? इनका अनुराधा मेहर। और पद इनका? इनका पद बाबू के पोस्ट पे है ये। बाबू का मतलब निचला देखिए पद क्या लिखा हुआ है, जनसंपर्क अधिकारी, वे भी नदारत हैं। उसके बाद आता है सह जनसंपर्क अधिकारी, उनका नाम क्या है? उनका किनका नाम सर? इनके जूनियर, इनके एब्सेंस में जो कोई नहीं है के लिए मैडम। अच्छा जी, लेकिन पटल में लिखा हुआ है कि सह भी होना चाहिए। खैर, ये और बात है कि एक जांच का विषय है कि यहाँ पर अधिकारियों के नाम और पद अंकित किए जाते हैं बावजूद इसके संबंधित अधिकारी नदारद रहते हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है इनकी सुध लेने वाला। इनकी सुध कौन लेगा? क्या हर मामले को लेकर ये कलेक्टर जनदर्शन में ही पहुंचेंगे? क्यों जनदर्शन में पहुंचेंगे? क्यों धूल दस्त खाएंगे? क्यों अपने समय खराब करेंगे? व्यस्ततम समय को खराब करके क्यों जाएंगे? मैं सवाल हमारा सीधा साधा है, संबंधित विभाग जिस अधिकारी का जो कार्य सौंपा गया है वे अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यालय में उपस्थित क्यों नहीं होते? सीधा सा सवाल है और उनको होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। इस तरह से यदि पीड़ित लोग लगातार जो है परेशान हो रहे हैं, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप कितने बजे आए हैं? मैं सुबह 9:30 में। आप एक बिजली विभाग में कार्य करते हैं जी, परमानेंट है जी। आपकी यह वेशभूषा, यह ड्रेस होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक इलेक्ट्रिक ऑफिस में काम करते हैं, बिजली विभाग में कार्यरत हैं? आप तो एकदम नॉर्मल हमारे जैसे। मेरी ज्वाइनिंग अभी हुई है तो आपको किसी ने बताया नहीं? कोई ड्रेस कोड होता है कि नहीं है? होता आप लोग?
ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता है? यहाँ का ड्रेस कोड हमको पता ही नहीं है सर, पता ही नहीं है, मिला ही नहीं है। अभी डमना देख लीजिए कि इनको इनको कुछ पता ही नहीं है। जब इनको कोई जानकारी दी जाएगी, कोई ट्रेनिंग होगी कि बिजली विभाग में किस तरह के ड्रेस होते हैं। अब यहाँ देखिए चप्पल में, कार्यालयीन क्षेत्र में जहाँ इतनी सेफ्टी की जो है बातें की जाती है, वहाँ सबसे खतरनाक विभाग है बिजली विभाग, और वहाँ पर यह दशा है, दुर्दशा कहनी चाहिए। जो कर्मी को पता ही नहीं, कर्मियों को होता है कि उन्हें किस तरह के ड्रेस पहनने चाहिए, किस तरह से उन्हें अपने कार्यालय समय में आना चाहिए। सारी चीजें जो है गलत है, इनको सुधार की आवश्यकता है। ये जानते हैं जो है का यह पता यहाँ बताया गया है, इतने पद की यहाँ तैनाती की गई है। और यह देखिए राहुल, आपका राहुल नाम है ना, ये बताइए, इधर आइए, ये तीन पद दिख रहे हैं आपको जी, है ना जी, और इनमें से आपका कोई पद नहीं है जी? नहीं। इसके अलावा कितने कर्मी हैं आप यहाँ? 22 कर्मी है। 22 कर्मी है जी। ये अधिकारियों की सूची है जी। 22 कर्मी में कितने कर्मी हैं सुबह से आए हुए आपके पास इस कार्यालय में? अभी तक तो कोई नहीं आया है। एक आप आए हुए जी, चूंकि आप नए हैं जी, जब पुराने हो जाएंगे तो आपका भी यही दशा हो जाएगा है ना। और जो पुराने हैं वे अपनी ढर्रा को अपना चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस ढर्रे पर नहीं आएंगे जी, और इनको भी सिखाएंगे जी कि हमको जो रेले थे ना मीडिया वाले आके, शुक्र करो कि आप नहीं थे, नहीं तो जितने लोग आए थे ना सवाल पूछे जाते। ठीक है राहुल जी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी ईमानदारी से आप काम करेंगे और इनको भी ज्ञान देंगे। धन्यवाद। आज भी कर्मचारी तो इस तरह से, अभी कोई कर्मचारी यहाँ पर निर्धारित है, कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है, और आप भीड़ देख पा रहे हैं, इतने लोग, क्या ये बेकार हैं? क्या आप लोग कोई काम नहीं करते हैं क्या? ड्यूटी वाला भैया ड्यूटी छोड़ के आया है, कोई सब्जी बेचने वाला है तो सब्जी छोड़ के आया है। अब इस अवस्था में जो अपने वाहन में आप सब आए हैं, और जो ये पेट्रोल लगता है, ये सरकार का पेट्रोल नहीं लगता, किसी बिजली विभाग का पेट्रोल नहीं लगता, और ये मोटी तनख्वाह इनसे पाते हैं, माने लंबी कतारें लगाए राशन के लिए, अपने हक के लिए बिजली कार्यालय में जो है लंबी कतारें लगाए, अधिकारियों को इंतजार करते रहे। क्या आम इंसान का अब यही काम बच गया है? आम नागरिक का, नागरिक क्या इसी तरह से पिसाते रहेंगे? इसी तरह से लचर व्यवस्था के चक्कर में, लचर व्यवस्था के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो है ठंडे एसी और कूलर की हवा में अपने घर पे बैठा होगा संभवतः। यदि घर पर नहीं बैठा है तो यहां पर क्यों नहीं? कौन से फील्ड की ड्यूटी निभा रहे हैं आप? कहां पर हैं आप? सवाल तो पूछे जाएंगे, और इस तरह के सवाल लगातार हमारे द्वारा पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में पूछे जाते रहेंगे। इसलिए मेरा स्लोगन भी है कि चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, और प्रतिष्ठित नागरिक बनकर जीना है, चैन से जीना है तो जागरूक हो जाओ, जानकार हो जाओ। जब तक आप अपने विषय के, अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि क्या आपके अधिकार है, तब तक आप यूं ही दबाए जाएंगे और यूं ही परेशान होते रहेंगे। और खासकर हमारा बिजली विभाग से अनुरोध है, निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। गर्मी के दिनों में यदि आपके घरों पे साहब 5 मिनट के लिए बिजली गोल हो जाए ना, तो आपके पंखे जब बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, कूलर बंद हो जाए, तो आप तुरंत बिजली विभाग के आला अधिकारियों को जो है रिलाई करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ हैं साहब आप लोग, है ना, संबंधित अधिकारी का बिजली गोल हो गया है, या इन्वर्टर चल जाते हैं। कई तमाम व्यवस्थाएं आपके घरों में हैं, आपके बच्चे एयर कंडीशन हवा में रहते हैं, क्या इनके बच्चे नहीं होंगे? क्यों भाई, आप लोग तो बच्चे नहीं होंगे, आप लोगों का काम धंधा नहीं होगा, आप लोग बेरोजगार हैं, है ना। देखिए कहीं ना कहीं हमारा टेढ़ा बोलने का रीजन यह था कि परिवार इनका भी है साहब, काम धंधे वाले यह भी हैं, सभी चीजों को यदि एक व्यक्ति एक घंटा बर्बाद करता है तो यहां पर तकरीबन 35 लोग हैं, 35 घंटा कहां से लाएंगे साहब? 35 घंटे का कौन है जवाबदेही? 35 घंटे का वैल्यू कितना है आप सबको पता है। तो इस तरह से लोगों को परेशान करने का जो बीड़ा उठाया जा रहा है इन भ्रष्ट कर्मियों के द्वारा, वे बंद होने की आवश्यकता है, और उनके कार्य क्षेत्रों में उनको सुधार करने की आवश्यकता है। यदि उनमें सुधार नहीं आता है, खासकर ऐसे अधिकारी जो आज जो है मौके पर जो है प्राप्त नहीं हुए नहीं है, उनको निलंबित करने की आवश्यकता है, और यहां पर ईमानदार या फिर पुनः बहाल करके एक सच्चे व्यक्ति की और सच्चे अधिकारी और ईमानदार अधिकारी की तैनाती करने की आवश्यकता है। और इस पर भी एक टीम होने की आवश्यकता है जो बीच बीच में जाकर जांच करे कि संबंधित विभाग में संबंधित अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में या कार्यालय में उपस्थित है कि नहीं या नहीं है। सहमत है आप सब ना? सहमत।
तो यह सारी चीजें हम मांग करते हैं और शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, हमारा विनम्र निवेदन है कि इस तरह की समस्याओं को आने से पहले ही उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, उन पर सुधार कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा क्षेत्र, हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।